हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने चैप्टर क्यों रोक दिया। देखो, चैप्टर नहीं रोका है, मैंने आपको रेवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था पूरा टाइम टेबल कि मंडे ट्यूजडे को मैं फिजिक्स के वीडियोज़ डालूंगा एंड आफ्टर दैट वेडनेसडे थर्सडे को मैं केमिस्ट्री के वीडियोज़ डालूंगा और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं बायो और मैथ्स के वीडियोज़ को मैनेज करूँगा। ठीक है, अब उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे को हो सकता है बायो मैथ्स के वीडियोज़ में से कुछ आए कुछ ना आए। ठीक है, तो ये देखो ऐसा टाइम टेबल है हम लोगों का, आप लोग इससे समझ सकते हो। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन को। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इंट्रोडक्शन, ये सब देख लिया था। तो आज हम देखने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट इससे पहले थोड़ी बच्चों वाली बातें करेंगे और फिर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का थियरी करेंगे। अभी देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ तीन पेज में ख़त्म कर दिया है, सिर्फ तीन पेज में ख़त्म कर दिया है पूरा जितना मैंने बताया पिछले तीन लेक्चर में। अब मुझे अगर ये बोर्ड लेवल का पढ़ाना होता तो सच्ची बोल रहा हूँ, दो से तीन लेक्चर इनफ थे इसके लिए। ठीक है, बट इसमें देखो अभी 9-10 लेक्चर बनेंगे, तो थोड़ी छोटी मोटी बातें हम लोग पहले कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हाई लेवल की पढ़ाई। ठीक है, जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो भी देखें। ओके, चलो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या जानते हो। कई लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन जहाँ पे टाइम चेंज ना हो और डिस्टेंस ट्रेवल सेम रहे। ठीक है, लगभग तो हमने 9th में ही ये सब पढ़ लिया था। यूनिफॉर्म मोशन इज़ इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में मतलब डेफिनेशन तो समझ आ गया यार, डेफिनेशन से किसको समझ में आता है ना, मुझे तो नहीं समझ में आता है डेफिनेशन पढ़ के। एग्जाम्पल चाहिए और एग्जाम्पल फिजिक्स में क्या देते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स। तो देखो एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, जैसे एक गाड़ी है यहाँ पे या फिर एक लड़का है यहाँ पे जिसका नाम है चैंपियन। चैंपियन ने 10 मीटर कवर किया 5 सेकंड में। आप बताना मुझे ये यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अगला 10 मीटर इसने कवर कर लिया 4 सेकंड में, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? अगर है तो क्यों है बताओ, सोचो 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, मेरा मार्कर नहीं मिल रहा है इसलिए टाइम दे रहा हूँ मैं। आई डोंट नो वेयर आई लॉस्ट। सोचो जितना सोचोगे उतना ज्यादा माइंड डेवलप होगा, सोचते रहो। चलो फाइनली आई गॉट इट। तो 10 मीटर कवर किया 5 सेकंड में, 10 मीटर कवर किया 4 सेकंड में, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 मीटर 5 सेकंड में जब इसने कवर किया तो अगला 10 मीटर भी 5 ही सेकंड में कवर करना था। भाई तुमने तो 4 ही सेकंड में कवर कर दिया, तो तुम यूनिफॉर्मली नहीं चले। तो अगला 10 मीटर अगर इसने 5 सेकंड में ट्रेवल किया था तो ठीक था, तब यूनिफॉर्म हम बोलते। बिकॉज यूनिफॉर्म कैसे पहचानने का, आप स्पीड निकालो। यहाँ पे स्पीड क्या आएगी, 10/5 कितनी आ गई, 2। ठीक है, स्पीड को मैं v से लिख देता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी निकालो तो 10/4 इसकी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड से चला। ओके, तो यहाँ पे स्पीड देखो चेंज हो गई, यहाँ पे स्पीड ठीक ठाक थी। अगर स्पीड यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड होती तो हम बोलते भैया तुम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, यहाँ पे स्पीड गड़बड़, यहाँ पे स्पीड से है ना। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट, मैंने बता दिया आपको। कैसे चेक करोगे, आप निकाल लोगे स्पीड दोनों इंस्टेंट पर। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ना बोर्ड में आएगा ना कहीं और आएगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको चेक करना रहे कि यूनिफॉर्म है या नहीं है तो आप क्या करोगे, स्पीड निकाल लोगे। पहली स्पीड अगर उतनी है और उतनी ही दूसरी स्पीड भी रहती है तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ओके, समझ गए कंसेप्ट, ट्रिक है ये, कंसेप्ट नहीं ट्रिक है ये। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और करेक्ट आंसर देना, करेक्ट आंसर नहीं दिया तो मार खाओगे आपकी बार, डिजिटल पिटाई है ना। ओके, लेट्स सी। अब की बार इसने कवर किया 20 मीटर, टाइम लगा 10 सेकंड, और फिर कवर कर लिया 40 मीटर और टाइम लग गया 20 सेकंड। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है
या ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है? बताओ मुझे, बताओ कब बताओगे, बताओ क्या बोला मैंने? मैं कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, तो जो लोग नहीं है बोल रहे हैं उनकी पिटाई हो गई है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे आएगी 20/10, देखो 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे वेलोसिटी निकालो 40/20, देखो 2 मीटर पर सेकंड है। तो क्यों बोल रहे हो नहीं है? है तो यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ गए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख ले जाओगे खुद से? नहीं लिख पाओगे, चलो मैं ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो अगर इसमें लग जाए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसमें एक्सेलरेटेड वाला भी डेफिनेशन लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, ठीक है। और नॉन वाले में क्या लिख दोगे? एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। तो यही आज हम लोग स्टडी करेंगे डीप में। फिलहाल डेफिनेशन समझो, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ हो रही है, इट इज कॉल्ड नम। नम मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन लग जाए तो बोलोगे एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। डेफिनेशन समझ गए? अब एग्जांपल आप लोग समझ गए, वो जैसे पहले 5 मीटर 10 मीटर चला था 5 सेकंड में, फिर 8 मीटर 10 मीटर चल दिया 4 सेकंड में। अब आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस बोर्ड वालों को यही बता दूंगा, उनके लिए इनफ हो जाएगा, बस और कुछ जानना ही नहीं उनको। और ज़्यादा जानोगे तो तुम फिर गुनहगार हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, होता क्या ये? जैसा मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला वीडियो बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार देख लो, और अगर भूल गए हो तो नोट्स खोल के एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज आज हम लोग बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में खुशियों वाली बात भी बताऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चंस के बीच बीच में। और इसीलिए आप लोग उसको रिवाइज करके आओ, वरना आपको क्वेश्चन बहुत भारी जाएगा, खास करके जेई वालों को। नीट वालों को सीधा आएगा, जेई वालों को बहुत हार्ड आएगा, इसमें से आएगा ज़रूर, ठीक है, चांसेस पूरे हैं। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन आने के 60% चांस होते हैं, ये क्वेश्चन आने के 30% चांस होते हैं, और 10% बाकी हो के, मतलब मैक्सिमम चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, या तो ग्राफ वाला आएगा जो अगला वीडियो होगा। ग्राफ वाला इजी होता है, खैर उसको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, समझ जाओगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे ये एक रोड है और यहाँ पे कार है, ट्रक दिख रही है, इतना खराब बनाता हूँ मैं, ये कार है और ये यहाँ पे ड्राइवर है, कार चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया ना मैंने, वाह कितना अच्छा बनाता हूँ मैं ड्राइंग, आर्ट्स ले लेना चाहिए था। देखो कार चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर, टाइम लगा 10 सेकंड, तो मुझे पूछा इसकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने बोला अरे स्पीड देखो 50 दी है और टाइम दिया है 10, स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। बोलेंगे भाई साहब एक इंस्टेंट पर स्पीड बताओ, ये तो पूरी स्पीड है ना, ये कौन सी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है, एक इंस्टेंट पर एक पॉइंट पर बताओ, जब टाइम हो रहा था 8.9999999999 सेकंड, उस टाइम इसकी स्पीड क्या थी, तब हम ये तो बता ही नहीं पाएंगे कि यार जब टाइम हो रहा था 8.9999 सेकंड तो उस पर इसकी स्पीड क्या थी, उस पर तो 5 नहीं रही होगी, ये तो एवरेज है ना, सबको जोड़ कर आई है ये, तो उस टाइम कितनी रही होगी, तो वहाँ पे हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो हेल्प लेंगे वहाँ पे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग उठाएंगे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलेंगे डीएक्स, डीएक्स मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जिसको टाइम लगा होगा इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, टाइम लगा होगा डीटी। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है डीएक्स, टाइम टेकन डीटी, बस यही है।
आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा एक्स या टी के टर्म में, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें 8.99999 पुट कर दोगे, इस इंस्टेंट पर आपको स्पीड मिल जाएगी। समझ गए ये कंसेप्ट, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही चीज है। अब अगर एक्सेलरेशन पूछता तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करके यहाँ पे टॉपिक डाल लो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करके टॉपिक डालो और लिख लो एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट अ गिवन इंस्टेंट। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा चेंज होने में। तो हम लोग एक छोटा सा चेंज उठाते हैं वेलोसिटी में जिसको बोलते हैं डीवी, डीवी इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इस चेंज को होने में टाइम लगा डीटी। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी जो है डीवी, टाइम लगा डीटी, ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आपको एक इक्वेशन देगा, आपको एक इक्वेशन देगा, बोलेगा टी इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 5t² + 9t, बताओ टी बराबर 2 सेकंड पर इसका पोजीशन क्या था, ठीक है, या फिर इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी, तो इसमें रख दो डी एक्स की वैल्यू क्या है 5t² + 9t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5t में से 2 नीचे आके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10t, 9t का डेरिवेटिव 9 हो जाएगा। अब t कितना पूछा 2 सेकंड पर, दो पुट कर दो, t की जगह 2 पुट कर दो, तो 10 × 2, यहाँ t है नहीं तो सिर्फ 9, तो 29 m/s आ जाएगी उसकी स्पीड उस पॉइंट पर। समझे, ऐसा क्वेश्चन आएगा, नीट में आएगा, जेई में थोड़ा घुमा के आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो डी एक्स बाय डी टी देखा देखा है क्या, डी एक्स बाय डी टी कहाँ देखा है, अरे यहाँ देखा है, मतलब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है वी डी वी बाय डी एक्स। सपोज कभी आपको वेलोसिटी दी हुई हो एक्स के टर्म्स में, वेलोसिटी दी हुई हो एक्स के टर्म्स में, तो आप इससे डिफरेंशिएट करोगे। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा समझोगे, फिलहाल आप फॉर्मूले नोट करो, फिलहाल मैं इसको रफ करता हूँ और सारे फॉर्मूले साइड में रखता हूँ। समझ गए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा मत सोचो, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पर, एक इंस्टेंट पर, एक छोटे से मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेशन क्या था, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख कर देता हूँ। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए पहले डिफरेंशिएशन वाले, अभी मैं बताऊँगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, और इसमें आपको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला वेलोसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला यूज़ करो डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन निकालना हो तो फॉर्मूला यूज़ करो डी वी बाई डी टी, और एक और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, कैसे आया, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई करके, ओके। अब देखो ये तीन फॉर्मूले आ गए, जब आपको वेलोसिटी निकालने बोले इक्वेशन देखे, एक्सेलरेशन निकालने बोले इक्वेशन देखे, तब अब सपोज आपको बोल दिया एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे बताओ, तब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो ऐसा बनेगा, वी देखो डी टी से वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, दोनों साइड हम कर देंगे इंटीग्रेट, ये कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। कैसे पहचानते हैं कि x1 से x2 जाएगा, ये जो x लिखा है ना, जो डी एक्स लिखा है ना, उसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली हमें, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। तो जो डी एक्स डी टी लिखा है उसकी लिमिट पुट करो, तो ये x1 से x2 हमने पुट कर दिया, अब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी क्वेश्चन में समझेगा, ये डी टी में क्या हो जाएगा t1 से t2। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x कहाँ से कहाँ तक, x2 से x1 या फिर x1 से x2, और ये हो जाएगा t1 से t2 vdt, तो ये आ जाएगा x2, ये हो जाएगा x2 - x1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 vdt। ये हो गया पहला फॉर्मूला तैयार, इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। समझ गए कैसे इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, इसको वहाँ लेकर गए, ये फॉर्मूला रेडी हुआ। जब भी आपको अब इंटीग्रेशन में, मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि बताओ वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी इस मोमेंट पर, तो आप लोग ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे, लिमिट यहाँ पुट करोगे, टाइम की लिमिट यहाँ पुट करोगे, ऐसा सॉल्व करोगे, ये आपको मिलेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर भी पुट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर सेकंड फार्मूला यहाँ से आएगा, ये होगा देखो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये कहाँ से कहाँ तक t1 से t2, ये कहाँ से कहाँ तक v1 से v2, dv का इंटीग्रेशन होगा v, कहाँ से कहाँ तक v1 से v2,
ये कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2, क्या होगा ये ADT, थोड़ा भारी जाएगा आज का लेक्चर, आज का लेक्चर भारी जाएगा। देखो भाई, सब कुछ तो इतना ईजी होता नहीं है, है ना, कुछ कुछ चीज़ें हार्ड भी होती है, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको भारी जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आज अगर आप समझ गए तो समझ लो नीट और जेई में आपके मार्क्स फिक्स हैं। तो वी पहले अपर लिमिट हम लोग पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखो तो दिक्कत आ रही होगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो V2 - V1 और ये हो जाएगा T1 से T2। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, आप कट कर दोगे मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, आप पहले इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का रिविज़न करके आ जाओ या वो वाला वीडियो देख के आ जाओ। ये V2 - V1 को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे हम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। फिर थर्ड फार्मूला यहाँ से आएगा, इसको यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा VdV = ADX। लिमिट पुट करो X1 से X2, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते ADX = VdV, ठीक है। ये V1 से V2 और ये X1 से X2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते X1 से X2 ADX = VdV। VdV का डिफरेंशिएशन क्या होता है, V² / 2, है ना, V² / 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, तो ये हो जाएगा देखो V² - V1² / 2 और ये हो गया ADX का इंटीग्रेशन X1 से X2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपके पास आ गया है, जिसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इतना तो आपको याद रहना चाहिए, ये तो आपको याद रहना चाहिए। देखो ये तो हलवा है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस dx, टाइम dt, ठीक है, ये भी हलवा है, ये भी हलवा है, ये तीनों याद हो गया तो ये तीनों तो याद ही हो जाएगा, है ना, वहाँ भेज दिया हम लोगों ने। तो ये तीन फार्मूले आपके पास आ गए जिनको आपको कर लेना है याद, मतलब ये तीनों कर लेने हैं याद और बाकी ऊपर वाला जाने क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा वो तो प्रैक्टिस पर है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2005 2004 से। कभी आपको डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पूछा है, ये वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप कर दोगे डिफरेंशिएट। अगर एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी देके डिस्टेंस पूछा है या पोजीशन पूछा है, तो वहाँ पे आप कर दोगे इंटीग्रेट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल याद रख लो अच्छे से, ये अगर आपको याद हो गया तो समझ लो सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। डिस्टेंस देके वेलोसिटी पूछा है तो डिफरेंशिएट, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछा है तो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी पूछा है तो इंटीग्रेट, वेलोसिटी देके पोजीशन या डिस्टेंस पूछा है तो इंटीग्रेट, ठीक है, पोजीशन ही पूछेगा, मतलब बोलेगा इस टाइम पर उसकी पोजीशन इतनी थी तो इस टाइम पर कितनी होगी, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बस यहीं तक थ्योरी थी हमारी, ये हाई लेवल की थ्योरी, इंस्टेंट वगैरह बोर्ड लेवल की थ्योरी, और जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म था वो बच्चों की थ्योरी। तो सारी थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली है, अब बस क्वेश्चन सॉल्विंग की देरी है। तो पहले कुछ हलवा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, फिर मैं आपको झटके देता हूँ एक एक करके। चलो लिख लिया अच्छे से, समझ गए क्वेश्चंस, चलो शुरू करें। तो चलिए सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख लिख दिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे, ठीक है, मतलब ऐसा लगे कि यार सारे क्वेश्चन हमको आ रहे, दिख रहा है सारे फॉर्मूले। चलो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट जो है वो कम हो गई होगी बिकॉज सारे फॉर्मूले दिख नहीं रहे थे। तो पहले मैं आपको कुछ इजी इजी क्वेश्चन करा देता हूँ। सपोज आपको दिया है क्या दिया है, X = 2t² + 3t और आपसे पूछा है वेलोसिटी एट t = 1 सेकंड, तो बताओ क्या आएगा आंसर। चलो सॉल्व करो खुद से, पहले कुछ हलवा हलवा क्वेश्चन करा दूँ फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट आए हुए हैं, ठीक है, नीट में भी थोड़े बहुत डिफिकल्टी है, मतलब नीट वालों को नीट का हार्ड लगेगा, जेई वालों को जेई का हार्ड लगेगा। चलो अभी तो दोनों हार्ड लगेगा आपको, बोर्ड वाला भी इजी लगे तो बड़ी बात है। करो इसको, रूल्स याद रखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, करो सॉल्व, देखो ऑप्शन देना चाहिए था ना, चलो जाने दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। आपको दिया है एक्स और पूछा है वी, तो मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स दिया वी पूछा डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या देगा, ये वेलोसिटी ही तो देगा, dx / dt क्या देगा, वेलोसिटी ही तो देगा, बट डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको एक इंस्टेंट पर मिल जाए, टाइम 1 सेकंड पर हमें मिल जाए वेलोसिटी, अब ये 1.5 1.1 कुछ भी हो सकता है, 8.9999 भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएटिंग 2t² + 3t विथ रिस्पेक्ट टू टी,
ये और ये सेम रहने चाहिए डिफरेंशिएशन में। अगर ये सेम नहीं रहेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करते हैं। खैर इतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो 2t स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था भाई? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के रूल्स अगर नहीं याद है तो सच में डिफिकल्टी होगी आपको। क्या था रूल? 2 नीचे आ जाएगा तो 4t, और t का डिफरेंशिएशन 1 तो बचा 3। अब कितने पे पूछा है? 1 सेकंड पे, तो 4 × 1 + 3 ये आ गया 7 मीटर पर सेकंड। किसका किसका आया था करेक्ट? ओके, सो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ये लाइटिंग अरेंजमेंट ठीक है। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि क्या आपको ये वाला लाइट ठीक ठाक लग रहा है या फिर पहले जैसा था वैसा ही ठीक था ना। बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रहा था तो उसके लिए मैंने ऐसा सोचा और थोड़ा सा लैम्प को एडजस्ट किया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, फिर हम लोग वैसा करते हैं। ओके, तो मैं फाइनल आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कराते हो, खुद से न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराते हो कुछ, है ना। तो देखो ऐसा है, जो खुद से न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं वो तो कराते ही हूँ, बट कम कराते हो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी बुक के क्वेश्चन से, वो आपकी किसी भी हाई लेवल की बुक, कोई भी बुक हो, उस क्वेश्चन से कई ज़्यादा गुना आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बट वो जो बुक में क्वेश्चन है उनके चांसेस हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी लीजेंड बन चुके हैं, बट जो बुक में हैं उनके चांसेस हैं, वो बन सकते हैं, ऐसा समझ लो। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर देता हूँ, और आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। आज ही नहीं, जितने लेक्चर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ उसमें मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये देखो ये टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ना। जैसे मैंने एरर वाले में एक ही टाइप का क्वेश्चन कितने साल में आया था दिखा दिया था, मैं चाहता तो उसको एक बार कराता छोड़ देता, बट नहीं, जितनी बार आया था उतनी बार कराया मैंने, है ना। जो थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन रहता है आपका, जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आप लोग नहीं कर पाते हो, उसके लिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं याद दिला देता हूँ आपको, ये हमारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, कब यूज़ करेंगे? जब हमको कोई भी इक्वेशन दी रहेगी ऐसा x = 90² + 3t, और आपको बोला भैया वेलोसिटी पता करो एट टी बराबर एक सेकंड, तो आप क्या करोगे? एक्स से वी जाना है मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे, वी से एक्स आना होता तो इंटीग्रेट करते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ज़्यादा यूज़ होगा, आने वाले सभी चैप्टर में इंटीग्रेशन का ज़्यादा यूज़ होगा, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के में मत लेना प्लीज़। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। डी एक्स बाय डी टी यहाँ पे लिखा ना, v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 90² + 3t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है? 90² में से 2 नीचे आएगा तो 18t + 3, अब इसमें 1 पुट कर दो तो 18 + 3 आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड पर इसकी वेलोसिटी ये थी। सपोज आपको यही क्वेश्चन दे देता, नहीं इंटीग्रेशन में आपको अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। अब सपोज आपको वी का कोई क्वेश्चन दे दिया और ए पूछ लिया, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर लेना, या फिर इसी पे पूछ लिया कि फाइंड ए एट टी बराबर एक सेकंड, तब क्या करोगे? तब दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया, इसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, तो 18 कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी आएगा, पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो उसमें आप मैक्सिमा का कंसेप्ट लगाओगे, फिर मिनिमम स्पीड, फिर मिनिमा का कंसेप्ट लगाओगे, तो सब कुछ यूज़ होगा इसमें, इसलिए रेडी रहे आप लोग। नीट में आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए वो दिखेंगे, बहुत कम चांस है कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन दिखे, बट जेई में मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्राफ से आते हैं आजकल, मतलब पिछले 2-3 सालों में। ओके, तो आपके लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेगा, नीट के लिए ग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आज तक एक भी क्वेश्चन नीट में ग्राफ का नहीं दिखा है, एक भी, शायद मेरी नज़रों से छूट गया हो, बट बहुत कम दिखे हैं, अगर दिखे भी होंगे तो, ठीक है। मैंने 2000 से 2021 तक का 20 तक का पेपर देखा है, बट एक भी नहीं दिखाई दिया नीट में, बट जेई में काफ़ी आते हैं। तो ग्राफ वाला वीडियो अगर आपको नहीं भी समझेगा, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी आपको इसमें अगर ये क्वेश्चन आया कि फाइंड वेदर द एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट और नॉट, तो इसके लिए आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे, और यहाँ पे देखो 18 आ गया, तो 18 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर सपोज टी होता या टी का स्क्वायर होता या टी का क्यूब होता तो वो वेरिएबल हो जाता, वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रही। अभी टी की जगह 1 पुट करोगे तो ये 18 रहेगा, 2 पुट करोगे तो 36 हो जाएगा, बट यहाँ सिर्फ 18 आया है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, टी की वैल्यू चाहे जितनी ले लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, खैर आज तक आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, समझे ना मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सपोज आपको इक्वेशन दे दिया 8t² + 2t, और बोला फाइंड वेदर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट और नॉट, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किसी टीचर को कराते हुए नहीं देखा, तो शायद ये कहीं आएगा भी नहीं, समझ लेते क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो पता करना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो हमें ये एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी मिलेगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए मिलेगा। तो जब दूसरी बार हम डिफरेंशिएट कर दें और हमें कोई एक नंबर मिल जाए, नंबर बोले तो एक से लेके कहाँ तक, जितना भी नंबर होता है वहाँ तक अगर हमें कोई नंबर मिल जाए तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर उसके साथ हमें टी मिल गया, उसके साथ एक्स मिल गया, उसके साथ कुछ भी मिल गया, तो मतलब वो वेरिएबल रहेगा। उसका मतलब क्या है, एक्स की जगह वन पुट करोगे वो हो जाएगा। सपोज हमारा आंसर आया 18x, तो एक्स की जगह वन पुट किए तो 18 आया, टू पुट किए तो 36 आया, थ्री पुट किए तो 54 आया। तो ये डिपेंडेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। बट जब 18 आ गया आंसर तो उसमें टी भी तो है ही नहीं, तो पुट कहाँ करोगे, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं दो बार, पहली बार करेंगे तो ये हो जाएगा 16t+2। अब मन में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, आपको रूल्स पता है, 2 नीचे आ गया तो 16t, पावर एक घट गई, इधर पावर एक घटी तो ये गायब हो गया, बचा 2। अब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो गायब हो जाएगा, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन और इसका 16, तो यहाँ पे कोई टी है नहीं, मतलब एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो ये फालतू बातें थी जो कहीं पूछी नहीं गई हैं, बट फिर भी मैंने बता दिया, कहीं कहीं हो सकता है यूज़फुल हो जाए, मुझे पता नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहले नीट के पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बीच बीच में मैं आपको कूल फैक्ट बताता रहूँगा, ठीक है। सब लोग सारे पीवाई क्यूज नोट करो, चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो AIPMT 2000 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, देखो कितना हलवा क्वेश्चन आया है नीट में। तो नीट में ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं, बस आप जितना बताता हो उतना नोट डाउन करते चलो, नोट्स बनाते चलो, रिविज़न कर लेना और आपका स्कोर बेहद ही अच्छा आ जाएगा। बट 11th का कंसेप्ट ना, 12th का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए सॉल्व करिए इसको, देखते हैं आंसर आता है क्या आपका। इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे ए की वैल्यू पूछा है। तो पब्लिक सोच रही है यार एक्स से ए पे कैसे जाते हैं, पहली सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी पे कैसे जाएंगे, अरे दूसरी सीढ़ी पे चढ़ के, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वी आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, डबल डिफरेंशिएशन। इससे पहले अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लो, प्लीज़ सारे रूल्स याद रख लो, मेरे वीडियो से नहीं समझ रहा है किसी और का वीडियो देख लो, सारे रूल याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद वीडियो देखो, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आई होप यू आर सॉल्विंग। चलो देखते हैं, सॉल्व कर लिए, रफ बुक में सॉल्व किया करो, बिकॉज चांसेज रहते हैं कि आपका आंसर गलत आए, चांसेज रहते हैं ना, अब ऐसा थोड़ी ना कि हर बार सही आएगा। तो अभी रफ बुक में सॉल्व करो, जब सेकंड टाइम वीडियो देखो तो फेयर बुक में नोट किया करो, तब आपको पता रहता है कि हाँ इसका यही आंसर था, है ना। बट जब अभी आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो अभी आपको नहीं पता होगा। लेट्स सी, तो पहले हम लोग एक्स से वी पर जाएंगे। अरे ये एक्स दिया है भाई, एस एक्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, तो एस लिखो चाहे एक्स लिखो बात वही है। तो हमें वी निकालना है तो हम करेंगे dx/dt या फिर ds/dt लिख लो, आपकी मर्जी है ना। तो डी 3t³ + 7t² + 14t + 8 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा। तो ये देखो टी के टर्म्स में, ये भी टी के टर्म्स में, मतलब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कई कई बार ऐसा होता है कि ऊपर एक्स के टर्म्स में होता है, नीचे किसी और टर्म में होता है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल नीट वालों को उतना ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, बाकी जेई वाले जब 9वां चैप्टर सीखेंगे तो उनको आ जाएगा मैथमेटिक्स का 9वां चैप्टर, है ना। अब देखो 3 नीचे आएगा तो ये हो गया 9, टी की पावर एक घटा दो t², इधर टी स्क्वायर एक पावर घटा दो, 2 आ गया नीचे तो 7 × 2 = 14, इधर टी की पर टी है पावर एक ही है तो टी को गायब कर दो, जो है लिख दो, इधर 8 है कांस्टेंट है तो 0, ये तो आ गया वी। अब हमें निकालना है ए, तो ए के लिए यूज़ करेंगे dv/dt, तो वी को भी अब डिफरेंशिएट करो, है ना। तो 9t² + 14t + 14 विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग दो दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार किया तो ये आया, मतलब हम यहाँ पर पहुँचे। अगर पूछा होगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तो यहीं पे वैल्यू पुट करके निकाल लेते, एक पुट करते और आंसर निकाल लेते, बट पूछा एक्सेलरेशन तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी आएगा, तब वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 18t, 14t में से 4t गायब हो जाएगा और ये जीरो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव 0। अब 18t + 14 में 1 पुट कर दो, टी की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। तो स्टेप वाइज मैं लिखता हूँ, पुटिंग t = 1, therefore 18 × 1 + 14, 18 × 1 = 18, 14 = 32 m/s² आ गया आंसर बी। कितना ईजी है, देखो 4 marks मिल गए। तो वही है, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बट थोड़ा बहुत घुमा देंगे तो आप चक्कर खा जाओगे। अब जैसे इसमें क्या घुमा सकता था, इसमें आपको ये घुमा सकता था कि पता करो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है या फिर नहीं है। तो आपने देखा फाइनल इक्वेशन ये बनी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टी है तो टी की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करोगे तो एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा, तो इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, है ना।
और क्या घुमा सकता है, और आपको इक्वेशन घुमा सकता है। कैसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पता चल जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। एक और घुमावदार क्वेश्चन आपके सामने है। आपके ऑप्शन है 16, 24, 40, 56, 16 मीटर, 24 मीटर, 56 मीटर, 40 मीटर। तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में आखिर बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है अगर एक्स का इक्वेशन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्व करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, सब नहीं लिख रहा हूँ मैं। देखो, एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस टी क्यूब है, तो कितना पार्टिकल ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने तक। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल कितनी देर ट्रेवल करेगा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। चलो पहले सॉल्व करो, फिर मैं हिंट देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2006 में, लगभग मैं आपका 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर देता हूँ नीट वालों का। बाकी जेई वालों का मैं लगभग 50-60% कवर कर देता हूँ। मतलब चैप्टर जब ख़त्म होगा ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी बुक में ऑलरेडी 100 से 110 क्वेश्चन है ना, रियलाइज़ होगा जब चैप्टर ख़त्म होगा। तो वही है, बस अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। मुझे पता है कि आपकी जो नोटबुक है वो काफ़ी बड़ी बनती जा रही होगी, बट हाँ, नोट्स तो बनाने ही आपको है ना। टॉपर्स के नोट्स ऐसे ही तो होते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे नोट्स। ओके, सी दिस क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो, रेस्ट पर जब वो आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, dx by dt को पुट कर लेते हैं जीरो। अब x की इक्वेशन हमें दी हुई है, उसको हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट, डिवाइड बाय dt बराबर जीरो। ओके, डिफरेंशिएट करो, 40 का डिफरेंशिएशन जीरो, 12t का 12, टी क्यूब का माइनस 3t स्क्वायर बराबर जीरो। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, 3t स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 3t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12। अब t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12/3, t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, टाइम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम सिर्फ आएगा प्लस 2 सेकंड, तो टाइम मिल गया 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद ये रेस्ट पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, मतलब हमें अब जाना है v से x पर। अभी हम कहाँ गए, x से v, अब आना है v से x, मतलब करना होगा इंटीग्रेट। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला है ना, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू vdt, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हमें पता नहीं, वो कब रेस्ट पर आएगा, बट उसने जीरो से शुरू किया, सपोज x पर रेस्ट पर आ गया। ओके, vdt कहाँ से, vdt है t1 से t2, T1 उसका जीरो था, जीरो पे शुरू किया था और 2 सेकंड पे रुक गया। ओके, तो जीरो से एक हमने पुट कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू vdt, v की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे वो जीरो हुआ है, तो 12 माइनस, देखो आपको समझना होगा खुद से। अब कुछ लोग पूछेंगे ये क्यों नहीं, क्योंकि ये उसका टोटल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें वो इक्वेशन फाइंड करना है जहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पर हुआ है ना, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर dt, सबके साथ dt है, इंटीग्रेट 0 से 2 तक करना है ना। अब सबके साथ dt है तो इसका मतलब 12 dt हो जाएगा, तो 12 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 12t, और 3t स्क्वायर dt इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t³/3, ठीक है, 3t³/3 क्यों, अरे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t³/3, और जो 3 dt था उसका 3 है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, देखो 0 से 2 तक हमें जाना है, तो वैल्यूज हम कर लेते हैं पुट, ये है 0 और ये है 2। अब देखो लोअर लिमिट तो 0 है, तो लोअर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अपर लिमिट आप पुट करो, ये 3 देखो कैंसिल हो गए, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 12 2 जा 24 दिख रहा है क्या, हाँ 12 2 जा 24 माइनस टी, मतलब 2 की पावर 8, ठीक है 2 की पावर 3, तो 12 2 जा होता है 24, 2 की पावर 8 8, 2 की पावर 3 8, और ये आ जाएगा 16 मीटर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो एक और बार क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, देखो सबसे पहले इक्वेशन में बोला है 40 प्लस 20 माइनस टी क्यूब, पूछा है पार्टिकल कितना ट्रेवल कर लेगा रेस्ट पे आने से पहले। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि कौन से टाइम पे वो रेस्ट पर आएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो है बट हमें लिमिट नहीं मालूम है कि जीरो से कहां तक जाना है ना। तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट किए, टी निकाल लिए, इतना समझा, डिफरेंशिएट किए, टी निकाल लिए। अब इसके बाद हमें पता चल गया 2 सेकंड पर वो रेस्ट पर आ जाएगा, तो 0 से 2 0 से x, तो 0 से x पर हमें ये मिला x-0, या फिर x इसको बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर ये ना लिख के सिर्फ x इज इक्वल टू लिखोगे तो भी चलेगा। अब v की जगह हमने ये वैल्यू पुट की,
ठीक है, 12 का डिफरेंशिएशन 12t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी क्यूब बाय 3 और 3 उसके साथ, ठीक है, 3 3 कैंसिल हुआ, तो 12t माइनस 3 में हमने अपर लिमिट डाल दी, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 थी तो हमने इसको ऐड नहीं किया क्योंकि 0 ही आएगा ना, तो इसको हमने ऐड नहीं किया, तो 12 2 या 24 और टी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 8 वो 16 आ गया, तो इस तरीके से ऑप्शन है आपका करेक्ट हो गया। तो थोड़ा तो क्वेश्चन घुमे हुए आएंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम ईजी ही आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। चलिए तो एक और घुमावदार स्विंग आपके सामने है, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, मतलब इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगने वाला है। कैसे पता चला मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर लिखा है मैक्सिमम या लिखा होता मिनिमम, तो आपको समझ जाना चाहिए तुरंत कि हियर वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट। ओके, पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पार्टिकल की पोजिशन क्या होगी जब वो मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे निकालते थे वैसे इसको निकालो, है ना, जो वैल्यू आएगी इक्वेशन में पुट करो आंसर आ जाएगा। चलो निकालो, इतना हिंट तो काफ़ी आई थिंक। चलिए आई होप आपका आंसर आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। तो इसमें देखो आपको x के टर्म्स में दी हुई है वैल्यू और आपसे पूछा है इसकी वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तब इसकी पोजीशन क्या होगी, तो सबसे पहले हमें इसके वेलोसिटी के इक्वेशन को फाइंड करना होगा। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, dx by dt से, है ना, मतलब इसको हम कर लेंगे डिफरेंशिएट तब हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 9t स्क्वायर का हो जाएगा, 18t टी क्यूब का हो जाएगा, 3t स्क्वायर, ये हमें मिल गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्पीड पूछे, तो वहाँ पे हम लोग जब मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे तो हम लोग इक्वल टू जीरो पुट कर देते थे डिफरेंशिएशन को, है ना, मतलब dv बाय dt को हम लोग पुट कर देंगे जीरो। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमा होगा तो स्लोप जीरो होगी, स्लोप जीरो होगी तो इसका डिफरेंशिएशन ग्राफिकल मीनिंग जो होता है डिफरेंशिएशन का वो स्लोप ही होता है, तो इक्वल टू जीरो हो गया। तो मतलब 18t माइनस 3t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये देखो 18t माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18 हो जाएगा, 18t का 18, 3t स्क्वायर का हो जाएगा 60, बराबर हो गया जीरो, तो 18 बराबर 60। अब 6 3 या 18 होता है तो देखो t की वैल्यू आ गई 3। अब या तो ये मिनिमा है या तो ये मैक्सिमा है, बट इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि मैक्सिमम स्पीड बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम बोलता तब आप चेक करते। करना क्या है फिर, 3 पुट कर दो यहाँ और क्या, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब में t की जगह 3 पुट कर दो, तो 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 9 इंटू 9 माइनस 27, 9 नवैया 81, 27 56 54, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। समझ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन और है नीट के, उसके बाद जेई के क्वेश्चन है। ओके लेट्स सॉल्व, ओके सॉल्व दिस वन, 2012 AIPMT का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी ईजी भी है, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हो कि नीट में काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो मतलब आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो फिजिक्स तो आपको आसानी से आ ही जाएगी, डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी आपको, डिफ़िकल्टी कहीं नहीं आएगी। बायो तो आपका स्ट्रांग है ही, इसीलिए तो नीट में आए, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि बायो स्ट्रांग है, बायो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं म्यूचुअली रिलेटेड एक दूसरे से, ठीक है। चलो देखो, छोड़ो फालतू बातें, तो इसमें पूछा है मोशन क्या होगा, जो मोशन है पार्टिकल का वो दिया जाता है इस इक्वेशन से, एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम सबसे पहले एक्स से वी पर जाते हैं, ठीक है, तो dx by dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। मुझे पता है ये चीज़ें अभी भारी जा रही होंगी, एक बार डिफरेंशिएशन सीख लिए ना, जेई वालों को बोल रहा हूँ, और नीट वाले तो बेसिक लेवल का सीख ही गए होंगे, बट फिर भी अगर अभी नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो और क्या। तो वेलोसिटी बिकम जीरो बोला है, मतलब यहाँ जीरो हो जाएगा, है ना, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो v इज इक्वल टू जीरो, और ये डिफरेंशिएशन हो गया इनका, तो जीरो इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, t की वैल्यू आएगी 2, करो अभी करो सॉल्व, t की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब हमें बोला है रिटार्डेशन उस समय क्या होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब इसको हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा और उसमें t की वैल्यू 2 डालनी होगी, क्योंकि 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो इस 2 सेकंड पर हम इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करके उसमें 2 सेकंड डाल देते हैं, तो पता चल जाएगा कि 2 सेकंड पे जब वेलोसिटी जीरो हो रही थी तो उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, है ना। तो डी वी बाय डी एक्स टी, तो 12 माइनस 3t आया था ना, 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी 12 का डिफरेंशिएशन जीरो और 2 नीचे आएगा तो 60, और स्क्वायर स्क्वायर में से एक पावर कम हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगा 1,
ठीक है, तो ये हो गया 60, तो ये हमें इक्वेशन मिला माइनस 60, तो t की जगह 2 पुट करो तो माइनस 6 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस 12, तो मतलब डी वाला करेक्ट है। कुछ लोग बोले माइनस 12 है, ऑप्शन में तो माइनस है ही नहीं। भैया रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव तो होगा ही ना। ओके फिर से समझा देता हूँ, देखो क्वेश्चन में बोला था पार्टिकल का रिटार्डेशन क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हमने पहले पता किया यार कौन से टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, वो टाइम मिल जाए तो उस टाइम को हम लोग पुट करके पता कर लेंगे उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या था। तो dx by dt था, हमने ये इक्वेशन बनाया, टाइम निकाला 2 आया, फिर हमने इसको एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो हमें पता चला कि यार वेलोसिटी 2 सेकंड पर जीरो हो रही है, और क्वेश्चन में पूछा जब वेलोसिटी जीरो हो रही है तो डिक्लेरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में अगर ये मैं टाइम डाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा उस समय उसका रिटार्डेशन क्या था। तो मैंने 2 यहाँ पुट किया, आंसर मिल गया, समझिए। तो सारी वेराइटी लगभग लगभग कवर्ड हो जा रही है, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। आइए इस इक्वेशन को करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन आपको नीट 2016 से है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मतलब हर वीडियो में हम लोग लगभग लगभग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब लास्ट टू लास्ट आपको कम से कम 100-150 क्वेश्चन के करीब मिल जाएंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म होते होते। तो इफ v इज इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज, तो यहाँ पे आपको v दिया है और पूछा है x क्या होगा, मतलब v से x पर आना है, v से x पर आना है तो हमें करना होगा इंटीग्रेट, ठीक है। वो 1 से 2 लिमिट भी आपको दे दी है, देखो 1 से 2 सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, dx इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। ये कहाँ से 0 से x तक और ये कहाँ से 1 से 2 तक, तो dx इज इक्वल टू, सॉरी dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा v dt, v dt में हम वैल्यू पुट करते at प्लस bt स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 1 से 2, ओके। तो at के साथ dt आएगा तो at का इंटीग्रेशन हो जाएगा at स्क्वायर बाय 2, और bt स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा bt क्यूब बाय 3, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट पहले पुट कर दो, मतलब पहले t की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस b 2 का क्यूब बाय 3 माइनस a 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस b 1 का क्यूब बाय 3। अब देखो वैल्यू क्या आती है, ए ये देखो 2 के एक स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ गया 2a प्लस 8b बाय 3 माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 3। अब इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, ठीक है, ओके। तो ये हमारा इंटीग्रेट करके मिला, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वैल्यू चेंज ना हो जाए। तो अब आप इसको बस सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेना फिर इसको सॉल्व कर लेना, उल्टा सीधा करके माइनस प्लस करना, ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए नीट के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन नीट के थे, अब हम लोग जेई के क्वेश्चन करते हैं। हाँ नीट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या, ओके आई सी नो क्वेश्चन फ्रॉम नीट, ओके नो चलो। तो ये क्वेश्चन नीट में आए हुए थे, अब हम लोग करते हैं जेई के। अब देखो जेई के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जेई के क्वेश्चन में खासियत क्या है, नीट के कैसे थे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वैल्यू पुट कर रहे थे आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से आपको हाई लेवल के मिलेंगे, तो थोड़े घुमाए हुए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है एक्स की वैल्यू अल्फा टी क्यूब है, वाई की वैल्यू बीटा टी क्यूब है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन दो डायमेंशन में कर रहा है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग वन डायमेंशन सीख रहे हैं ना, टू डायमेंशन अभी आया नहीं है। टू डायमेंशन आएगा तो फिर रिलेटिव मोशन, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर्स वेविंग प्रॉब्लम, ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर थ्री डायमेंशन आएगा तो हम लोग फिर उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह करेंगे। टू डायमेंशन में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट एक्स में भी कवर करता है डिस्टेंस और वाई में भी कवर करता है डिस्टेंस, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ रिवर्स स्विमिंग प्रॉब्लम का, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है, तो जब वो स्विमिंग करेगा और समुद्र यहाँ से अपनी लहरें लेकर आ रही है ना, तो जब वो स्विमिंग करेगा तो वो ऐसे चलेगा, सीधे नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा क्योंकि वो सीधे तो जाना चाहता है बट पानी उसको ढकेलेगा, है ना, तो वो टेढ़ा चलेगा। तो ये होता है मोशन इन टू डायमेंशन। कैसे पता चला, देखो कुछ ना कुछ इसने एक्स में चला और कुछ ना कुछ इसने वाई में चला। देखो ये एक्स में कवर की है इसने डिस्टेंस, ये वाली आप लोग डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस देखो तो एक्स में कवर की है, ऊपर वाली डिस्टेंस देखो तो वाई में कवर की है, मतलब दो दो डिस्टेंस कवर की है। तो ये जो एक्स वाला दिया है ये आपको एक्स की डिस्टेंस दी है, वाई वाली डिस्टेंस वाई की दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसका मॉड निकालना होगा। जैसे इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है,
राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, लेट सी दिस वन, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, आप लोग देखो ये है और एक्स में ऐसे चला है, मतलब ऐसे वो चला हुआ है, तो इसमें इमेजिनरी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, उसके बाद थीटा आपको 90 मिलेगा, तो वहाँ से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आता है इसका मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे। देखो एक कर देता हूँ मैं, तो डी एक्स बाय डी टी अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर, 3 नीचे आ जाएगा, पावर एक कम, उधर भी 3 नीचे हो जाएगा, पावर एक कम, तो ये वेलोसिटी इन एक्स क्या हो गई, वेलोसिटी इन एक्स हो गई 3 अल्फा टी स्क्वायर, वेलोसिटी इन वाई हो गई 3 बीटा टी स्क्वायर। तो अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो वेलोसिटी रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो 3 अल्फा टी का स्क्वायर आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे, पहले देखते हैं बाहर आएंगे क्या, ऑप्शन में देखो ब्रैकेट से बाहर नहीं किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, तो अल्फा बीटा यहीं रहने दो, टी की पावर 4 है, टी 4 बार है, 4 टी है, तो कितने टी बाहर आएंगे, जोड़ी में आते मतलब 2 टी बाहर आ जाएगा, 2 टी बाहर आएगा मतलब टी स्क्वायर, 9 देखो दोनों जगह है, सुनो मैं कॉमन टेक्निक बताता हूँ, क्या करो 9 टी स्क्वायर कॉमन ले लो, बात खत्म, तो बचा क्या अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके 9 टी की पावर 4 कॉमन ले लो, 9 टी की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 9 टी की पावर 4 का रूट लोगे तो ये हो जाएगा 3 टी स्क्वायर, यहाँ हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिख रहा है, ओके तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ गया ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, चलो आगे, ओके तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, 2006 AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बोलता है पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट दे दी, फिर पूछा है स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द x एक्सिस विथ v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, तो बताओ x का इक्वेशन क्या होगा, क्या वो t स्क्वायर रूट t, t क्यूब, क्यूब रूट ऑफ t, ऐसा होगा, देखो t का स्क्वायर रूट कभी कभी ऐसा लिखा होगा, t का क्यूब रूट कभी कभी ऐसा लिखा होगा, तो बुरा मत मानना, समझ लेना, तो इसमें कुछ लोग अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt से शुरुआत करेंगे, तो मेरे भाई ये बिल्कुल गलत मेथड है, देखो ये फॉर्मूले नहीं है, ये जनरल इक्वेशंस है, ये कहीं पर काम आएंगी कहीं पर काम नहीं आएंगी, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो v आपको दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, अभी मैं बताऊंगा क्यों काम नहीं आएगी, ठीक है, तो इसका v का मतलब क्या होता है, dx by dt is equal to अल्फा रूट एक्स, है ना, अब dt को वहाँ भेज दो, रूट एक्स को यहाँ भेज दो, तो dx by रूट एक्स आ गया अल्फा dt, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन, तो अगर हम लोग वहाँ पे देखते तो अल्फा रूट एक्स डी टी था, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर ये वाला मेथड रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा, बट अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते तो हमारा करेक्टली आंसर आएगा, आखिर हमने ये फॉर्मूला बनाया कैसे, ऐसे ही तो बनाया, तो वही तो हमने यहाँ भी किया, ऐसे ही तो किया है ना, तो हमने डी एक्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से x तक, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से t तक, इक्वेशन बनाना है, बस इंटीग्रेट करो, डी एक्स बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x 0 तक, तो ये वही रहेगा, लोअर लिमिट 0 है, मतलब यही आपका फाइनल रहेगा, अगर लोअर लिमिट कुछ होती तो माइनस करके वो भी लिखते, यहाँ पे जो अल्फा है आपका वो कांस्टेंट है, तो अल्फा बाहर निकाल लो, तो इंटीग्रेशन हुआ डी टी का 0 से लेकर टी तक, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है आपको पता होगा, इज इक्वल टू अल्फा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, टी से 0 तक करना है तो टी की जगह एक बार टी पुट करो, टी की जगह 0 पुट करो, तो टी माइनस 0 टी ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल रहा है, अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है, कहीं लिखा नहीं मैंने, सॉरी फॉर दैट, लिख लो वहाँ पे छोटी सी जगह में कि अल्फा कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x किसके प्रोपोर्शनल है, x तो पहली बात देखो रूट में है, तो रूट हटाते हैं, रूट हटाने के लिए करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अब x देखो 4 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, भगा दो, तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 2006 में आया था, देख के दिमाग आपका घूम रहा होगा, बट बहुत इजी है, मैं तो बोलता हूँ वो वैल्यू वैल्यू पुट करने से भी ज़्यादा इजी है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक ज़्यादा अच्छी स्क्रीन क्वालिटी आ रही है अब, ठीक है, कमेंट करो कैसा लग रहा है अब, प्लीज़ कमेंट कर देना इसके ऊपर कि कैसी क्वालिटी आ रही है अब, ये 7वां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अभी एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको उपहार दूंगा, ठीक है, आई थिंक 8th क्वेश्चन है ये, ओके 6th हो गया था, 7th हो गया था, 8th क्वेश्चन है ये, करेक्ट, तो ये 8th क्वेश्चन है हम लोगों का, इसके बाद 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन और है, फिर हम लोग एंड करते लेक्चर को, काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है, लगभग जो कुछ सीखना था, बेसिक तो यही था, बोर्ड वाले देख रहे हो क्या, चले जाओ, ठीक है, आपके सिलेबस में है ही नहीं ये, बोर्ड की बुक में ये चीज़ें हैं ही नहीं, दैट्स इट।
चलो देखो कैसे करना है इसको. वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो t इज इक्वल टू जीरो. तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक सेकंड के बाद. मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है, x पूछा है, मतलब v से x में आना है तो करना होगा इंटीग्रेट. फॉर्मूला लगेगा dx इज इक्वल टू v dt. ठीक है, अब देखो आपको पता कैसे चलेगा कि कब ये करना है यूज कब वो करना है यूज. जब आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दे दे v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स या फिर ऐसा कोई इक्वेशन, तो वहाँ पे आप लोग और आप लोगों को यहाँ पे लिखा रहे कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो आप लोग वैसा यूज करोगे. अब यहाँ पे आपको v का इक्वेशन दिया हुआ है टी के टर्म्स में, v का इक्वेशन दिया है टी के टर्म्स में, तो v dt आप लोग लगा सकते हो. मैंने एक कंडीशन बोली थी ना शुरुआत में कि v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स में देखो ये x है, तो इसका इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो या फिर इसका इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो जब यहाँ पे dx हो. शुरुआत में मैंने एक कंडीशन बताई थी कि आप किसी का भी इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब वहाँ पे टर्म्स सेम हो, ऊपर भी टी हो नीचे भी टी हो तभी डिफरेंशिएशन होगा, बाजू में टी हो यहाँ भी टी हो तभी डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अल्फा रूट एक्स आप पुट भी कर देते हो तो यहाँ पे डी टी है. अल्फा क्या, अल्फा कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे डी टी है और यहाँ पे एक्स है तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है. बट यहाँ पे देखो वी में टी है, ठीक है, बाकी वी नॉट तो ऐसे ही है कॉन्स्टेंट. तो हम लोग यहाँ पे वी को पुट कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते थे. अब क्लियर हुआ होगा आई थिंक, है ना. इस क्वेश्चन का भी कुल फैक्ट बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो. तो ये जीरो से एक्स तक जाना है और ये जीरो से वन तक जाना है ना, वन आपको दिया हुआ है तो ये एक्स ही हो जाएगा. छोड़ो इसको, जीरो से एक्स में एक्स ही हो जाएगा. इसको पुट करते वैल्यू जीरो से वन तक, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर. तो वी नॉट का इंटीग्रेशन वी नॉट ही रहेगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाय टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी क्यूब बाय थ्री. अब आपको जीरो से वन में पूछा है तो पहले अपर लिमिट डालो, टी की जगह वन पुट करो तो टी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, टी क्यूब मतलब वन का क्यूब मतलब वन ही हो जाएगा. तो ये हो गई वैल्यू खत्म. कौन सा सी वाला. अब बताता हूं इसका कूल फैक्ट. सेम टू सेम क्वेश्चंस केम इन 2021 जेई मेन. लगाना झटका, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं. अभी मैं आपको जब लॉज ऑफ मोशन कराऊंगा, जब वर्क पावर एनर्जी कराऊंगा, तो वहां पे भी मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो रिपीट हो जाते हैं. मतलब अभी लॉज ऑफ मोशन में कुछ 2003 का क्वेश्चन था वो दोबारा 2021 में आ गया, फिर कोई 2007 या 2008 का क्वेश्चन था वो भी 2021 में आ गया, है ना. तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे. क्यों रिपीट होंगे, क्योंकि नीट में क्यों नहीं रिपीट होते, क्योंकि नीट में एक ही पेपर होता है, बट जेई में 32 पेपर होते हैं साल में. 32 पेपर में कितने फिजिक्स के क्वेश्चन, 900 से ज़्यादा. इतने क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे भाई, पूरी एस सी वर्मा खाली हो जाएगी दो साल में, है ना. 1800 क्वेश्चन है कुछ उसमें शायद, तो सोचो आप लोग फिर इतने क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे वो. तो क्वेश्चन नहीं बना सकते उन लोग, तो अब क्वेश्चन कॉपी करना शुरू करेंगे. तो यही ट्रिपल ई 2007 का क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया जेईई 2021 में. मतलब आपने सीधा देखा, खट्टे से मार दिया, आगे बढ़ गए, आपका टाइम पूरा बच गया, चार मार्क्स समझ लो फ्री का मिल गया. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप ढंग से कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो. खैर मैं इस पे कोई प्रूफ नहीं दे सकता हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं, नौवा क्वेश्चन करते हैं. लगाना अच्छा, जेई मेन 2021 में भी आया था सेम टू सेम क्वेश्चन. ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये जेई मेन्स में आया है बट मैं डेट लिखना भूल गया, सॉरी ईयर लिखना भूल गया. तो सॉल्व करिए, जेई मेन्स में ही आया था, टेंशन मत लो. फालतू नहीं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था. देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 6.2 मीटर पर सेकंड और डिक्लेरेट हो रहा है dv बाय dt इज इक्वल टू -2.5 रूट v के रेट से, जहाँ पे v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. तो कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट पे आने पे, ये क्वेश्चन है आपका. ओके करो सॉल्व, देखो आ रहा है आंसर क्या. तो हमें टाइम पता करना है, v दिया है, तो जब वो रेस्ट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है. v हमें दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रिटार्डेशन दिया हुआ है. अच्छा तो मतलब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाएंगे. क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो रहने वाली है, तो a से v में जाएंगे. तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला. लेकिन यूज़ होगा क्या, लेट्स चेक. सबसे पहले आपको दिया है dv बाय dt इज इक्वल टू -2.5 रूट वी. अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे है dt और ये है रूट वी. यहाँ पे भी dt रहना चाहिए वरना कोई कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, है ना. तो हम क्या करेंगे, टू रूट वी को यहाँ भेजो और ये हो जाएगा -2.5 dt. अब कर दो इंटीग्रेट.
डी वी बाई रूट वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी रेस टू माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई टू, और इसका माइनस 2.5 कांस्टेंट है बाहर आ गया। इधर बचा टाइम का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन, और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टी टाइम तक, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कब वो रेस्ट पर आएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, डी वी बाय रूट वी, फाइनली तो ये रेस्ट पर आ चुका रहेगा, तो फाइनली तो ये रेस्ट पर आ चुका रहेगा, तो जीरो तो इसकी अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट शुरुआत में ये थी ना, यहाँ से डिक्लेरेट हुआ, तो ये 6.25 रहेगी। ओके, तो माइनस वन, माइनस हाफ प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस हाफ, और नीचे तो वन बाई टू है ही है, और ये हो जाएगा माइनस 2.5, अपर लिमिट पुट करोगे तो टी, लोअर लिमिट जीरो, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको मिल गया माइनस 2.5 टी। तो वी का रूट ले लो, वी की जगह पहले अपर लिमिट पुट करोगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जीरो है, तो डायरेक्ट लोअर लिमिट पुट करो, तो 6.25 का रूट डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2.5 टी। ओके, 6.25 का रूट होता है 2.5, ठीक है। अब देखो 2.5 कैंसल, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2.5 कैंसल, 1/2 में से जो 2 है वो चला जाएगा ऊपर, या फिर ऐसे समझ लो ऊपर 1 बचा है और 1/2 0.5 होता है, तो 1/0.5 2 होता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो ये देखो 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ गया, तो यहाँ से देखो 2.5 कट गया और t इज इक्वल टू आ गया 2, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट। समझ गए कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन करना था बस, और कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन किया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जे मीन्स 2019 का ताज़ा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही साल हुआ है, 2 साल हो गया, चलो करो इसको। देखो साल से मतलब नहीं है, बल्कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने क्वेश्चन है ना उनके बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं रिपीट होने के, तो सारे अगर पी वाई क्यूज आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 रिपीटेड क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं अब। हाँ, पहले नहीं होता था ऐसा, जैसे जेई एडवांस की बात करें तो उसमें कोई क्वेश्चन शायद ही रिपीट होता है, ठीक है। 1-2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो रिपीट हुए हैं, लगभग रिपीट ही हुए वो। ओके, तो जेई मेन्स में अब रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ी ज़्यादा वेटेज देंगे, थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, थोड़ा ज़्यादा उन पर ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मैं ही सॉल्व करता हूँ, छोड़ो। तो आपको एक्स दिया है, वी पूछा है जब ए जीरो होगा, ठीक है। क्या हो गया ये, एक्स दिया है, वी पूछा है जब ए जीरो होगा, तो सबसे पहले हम एक्स से वी में जाते हैं, फिर a को जीरो करके इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो dx बाई dt करेंगे तो हमें v का इक्वेशन मिलेगा, मतलब at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब को हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो at में तो a बचेगा, a b c कांस्टेंट है ना, तो a बचेगा और t गायब हो जाएगा, इसमें b बचेगा, पावर गायब हो जाएगी, और ये हो जाएगा ct स्क्वायर 3 और 2bt, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूँ मैं, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, तो ये v की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें बोला है जब a जीरो होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, मतलब a इज इक्वल टू dv बाई dt, अब की बार लगा लेते हैं। देखो ये इक्वेशन यूज़ तो नहीं हुआ बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर यूज़ होगा, आप बुक निकाल के सॉल्व करोगे, जैसे DC पांडे हो गई, कोचिंग मॉड्यूल हो गए, इनको सॉल्व करो तो आपको यूज़ पता चलेगा, ठीक है। वरना 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं कराता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। तो दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो पुट करते हैं क्योंकि ए जीरो दिया है, तो यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी, और टी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो वी की वैल्यू मिल जाएगी। आप पर भरोसा कर लो, नहीं करूँगा। तो ए तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, बी तो कांस्टेंट है तो 2b हो गया, टी स्क्वायर है तो नीचे आया तो 6ct हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct, तो 2b इज इक्वल टू 6ct, तो टी की वैल्यू आ गई b/3c। अरे भाई 2, 3 या 6 हो गया, 3c इसके नीचे चला गया, तो t की वैल्यू आ गई b/3c। अब जब एक्सेलरेशन जीरो है तब v कितना होगा पूछा है, जब एक्सेलरेशन जीरो है तब v कितना होगा पूछा है, है ना। तो इस t की वैल्यू को हम इस v वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कुछ लोग पूछेंगे इसमें क्यों नहीं, क्योंकि ये बाद का इक्वेशन है, जब एक्सेलरेशन जीरो हुआ उस समय v कितना है, तो ये वो वाला इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग t की वैल्यू डालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो a प्लस 2b इंटू b/3c माइनस 3c इंटू b2/9c2। कैसे हो गया ये, टी स्क्वायर है ना, तो b2/9c2 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू पुट की आप लोग सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा है, a प्लस 2b2/3c
माइनस थ्री सी बी और नीचे आ गया यहाँ पे नाइन सी स्क्वायर। थ्री थ्री जा थ्री वन जा देखो कैंसिल हो गया, सी सी बी कैंसिल हो गया, तो हमारा इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे ए प्लस टू बी स्क्वायर बाय थ्री सी माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री सी। ठीक है, नीचे भी थ्री सी तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, टू बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बचा बी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन आ गई ए प्लस बी स्क्वायर बाय थ्री सी, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सॉल्व करो। ओके, और फिर कमेंट करना, मैं देखता हूँ आंसर करेक्ट रहेगा तो पिन कर दूंगा कमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने कवर कर दी, इंटीग्रेशन वाली, डिफरेंशिएशन वाली, मैक्सिमा मिनिमा वाली, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है, एमएच बोर्ड के चैनल पे तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ये कैलकुलेशन ना समझियो तो खुद से करके देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, थ्री थ्री जा नाइन हो गया, सी से एक सी कट गया, तो इधर बी स्क्वायर बाय थ्री सी बचा, तो वही तो लिखा है बी स्क्वायर बाय थ्री सी, समझ गया। चलो आगे बढ़ते। ओके, तो एक और क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर 2010 का, मैं से मिस हो गया। x इज इक्वल टू टी प्लस फाइव की पावर माइनस वन, इसमें आपको पूछा है एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, और आपके ऑप्शन से v की पावर थ्री बाई टू, डी स्क्वायर, डी की पावर माइनस टू, वी की पावर माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, मैं नहीं करूँगा वो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो x जो है वो t प्लस फाइव इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ x इज प्रोपोर्शनल टू t इनवर्स, मतलब t की पावर माइनस वन। कैसे बोला मैंने, अरे भाई t प्लस फाइव, फाइव क्या है, फाइव भी टाइम ही है, अगर t 12 सेकंड होगा तो 12 प्लस पाँच 17 सेकंड हो जाएगा, तो फाइव को हटा दो, कांस्टेंट है। ठीक है, तो t की पावर इनवर्स की ये प्रोपोर्शनल हो गया। और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है t की पावर माइनस वन और नीचे भी है t, इसको डायमेंशनली कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर माइनस टू। अब एक्सेलरेशन भी होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, तो वेलोसिटी है टी की पावर माइनस टू, नीचे भी टी, तो एक्सेलरेशन आ गई टी की पावर माइनस थ्री। तो ये हमें कुछ चीज़ें मिल गई, एक्सेलरेशन टी की पावर माइनस थ्री का प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे वी और डी में रिलेशन चाहिए। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको उल्टा करते, देखो एक्स इज टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टी एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा कर दिया। अब टी जो है माइनस टू वो v के प्रोपोर्शनल है, तो कैन आई से t इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, क्या करता हूँ मैं रूट ले लेता हूँ। ठीक है, रूट ले लेता हूँ, मैं रूट लूंगा तो ये हो जाएगा t प्रोपोर्शनल टू v की पावर वन बाई टू, इसका जो माइनस था वो इसको दे दो, समझे। अब एक्सेलरेशन t क्यूब के प्रोपोर्शनल था, t की पावर माइनस थ्री के, तो अब की बार यहाँ पे क्यूब रूट ले लो, तो t जो होगा वो एक्सेलरेशन के माइनस वन बाई थ्री के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो t देखो इसके भी प्रोपोर्शनल है, t इसके भी प्रोपोर्शनल है, मतलब a जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, नहीं समझ रहे हो। ओके, तो जस्ट हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया, जैसे x प्रोपोर्शनल था t की पावर माइनस वन के, तो t प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर माइनस वन के, पावर वन है माइनस वन है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे x प्रोपोर्शनल, v प्रोपोर्शनल था t की पावर माइनस टू के, तो ऐसा समझ सकते हो आप लोग, हम लोगों ने दोनों जगह क्यूब रूट ले लिया और इसका जो माइनस था वो हम लोगों ने उसको दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया और इसका माइनस उसको दे दिया, तो यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल हो गया वी की पावर माइनस वन बाई टू और टी प्रोपोर्शनल हो गया ए की पावर माइनस वन बाई थ्री। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, बट जो एक्चुअल मेथड है ना वो बताऊंगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा। तो हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें ए के साथ रिलेशन चाहिए, मतलब हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए, तो ए की पावर माइनस वन बाई थ्री प्रोपोर्शनल हो गया वी की पावर माइनस वन बाई टू के, माइनस माइनस खत्म, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, क्यूबिंग कर दो, तो वन बाई थ्री इंटू थ्री प्रोपोर्शनल टू वी की पावर माइनस वन, माइनस तो कट गया ना, इंटू थ्री, तो ये थ्री थ्री खत्म, मतलब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया तो वी की पावर थ्री बाई टू के, दैट इज ऑप्शन ए। ये 2010 AIPMT में आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर एक्सेलरेशन है थ्री वी, अगर एक्सेलरेशन है थ्री वी और वी जो है एक्स इज इक्वल टू टू मीटर, पता करो इफ एट एक्स इज इक्वल टू वन मीटर v was 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना, पॉइंट में आंसर आएगा, कमेंट करके बताना कि आंसर क्या आया। ठीक है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर एक्सेलरेशन 3v है, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये वाला, ये वाले से ही आएगा आंसर। ठीक है, और इंटीग्रेशन वाला, मतलब ये वाला, थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला, और v पता करो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे, अगर x इज इक्वल टू 1 मीटर पे v जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। ये आपके लिए है होमवर्क, फटाफट से आंसर फाइंड करना, कमेंट करना, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको कर दिया जाएगा पिन, भूल गया तो माफ़ कर देना। ओके, देखो फिर से ये समझा देता हूँ मैं,
x प्रोपोर्शनल था t की पावर माइनस वन के, तो ये t प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर माइनस वन से। एग्जांपल लेते हैं, तब एग्जांपल से समझ जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है टी स्क्वायर, या फिर टी क्यूब ले लो। 8 जो है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों साइड में क्यूब रूट ले लूँ तो 2 जो होगा वो टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये 2 क्या है, 8 का क्यूब रूट है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, 8 की पावर 1/3, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 मतलब क्या, क्यूब। तो वही तो मैंने यहाँ भी किया, जब a जो था वो t की पावर माइनस 3 के प्रोपोर्शनल था, मतलब 8 जो था वो t की पावर 3 के प्रोपोर्शनल था, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब रूट ले लिया, तो ये 1/3 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ पे माइनस 1 था तो यहाँ पे माइनस 1/1 हो गया होगा, बट वो भी 1 ही है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है, आज नहीं भी समझ में आया तो कुछ दिन बाद देखना, फिर बाद में देखना समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा हार्ड गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, होमवर्क है, कमेंट कर देना। ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। a इज इक्वल टू 2b, ठीक है, वरना पॉइंट में आंसर आता। चलो फाइंड करो इसको और कमेंट करो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बनाते बनाते, आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया तो माफ़ कर देना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग सीखेंगे ग्राफ। ग्राफ जो है वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, भूल गया मैं शायद, देखा नहीं होगा, आए नहीं है लेकिन, ठीक है, आए होंगे एक दो, बट आई हैव नेवर सीन, आए होंगे तो मैं लेकर आऊँगा, टेंशन मत लो। और जेई को बहुत क्वेश्चन आए हैं ग्राफिकल, और ईजी भी आते हैं, बस आपको ट्रिक मालूम रहनी चाहिए, ट्रिक बता दूंगा समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें शुरुआत में हम लोग थोड़ा बोर्ड की थियरी कवर करेंगे और डेरिवेशन करेंगे, किसका, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि वो बोर्ड की बुक में दिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे हाइयर लेवल का ग्राफ्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।